और इस बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर, नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाई है। नवी क्लास की एक छात्रा जिसने फांसी लगाई है, फांसी लगाने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया नहीं गया अभी तक कि ऐसा क्यों हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच मामले की लगातार कर रही है, जिस वजह से हड़कंप की स्थिति भी इस क्षेत्र में, कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्ती पारा की पूरी घटना है। पुलिस की तरफ से जब जांच होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस कारण के चलते ऐसा किया है। बहुत छोटी बच्ची, नवी क्लास की एक छात्रा जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, चौंका देने वाला ये पूरा मामला अंबिकापुर से। स्कूली छात्रा का आत्महत्या करना कई सारे गंभीर सवाल भी पैदा करता है। नवी क्लास की एक छात्रा फांसी लगाने का कारण हालांकि फिलहाल अज्ञात है, परिजनों से पूछताछ की भी कोशिश। मामले की जांच के लिए पुलिस भी फौरन पहुंची है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्ती पारा की एक घटना है, तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई, परिजनों से पूछताछ की जा रही है, पड़ोसियों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश। नवी क्लास की छात्रा है, बहुत छोटी थी ये बच्ची, इसने फांसी लगा ली। लेकिन कई और एंगल भी इस घटना के हो सकते हैं, इसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर सकती है। तो फिलहाल प्राथमिक तौर पर यही जानकारी सामने आती हुई, नवी क्लास की छात्रा ने फांसी लगाई है अपने घर में। हालांकि कारण अभी भी अज्ञात कि किस वजह से ऐसा हुआ, परिजनों से पूछताछ की कोशिश हालांकि की जा रही है। तो अंबिकापुर से मामला सामने आया, बेहद ही चौंका देने वाली ये पूरी घटना, क्योंकि नाबालिग छात्रा की तरफ से फांसी लगाया जाना हैरान कर देता है, कई बार विचलित कर देती है इस तरह की घटनाएं। नवी क्लास की छात्रा थी, बहुत छोटी बच्ची थी, फांसी लगाने का कारण हालांकि अज्ञात है, आशंका अभी तक कोई भी हाथ नहीं लगी है। हालांकि आगे पूछताछ के आधार पर ही पुलिस अब इस मामले की जांच कर सकती है, क्या विद्यालय की तरफ से कोई लापरवाही रही, परिजनों की तरफ से क्या कोई डांटने का मामला या कोई विवाद रहा हो, इस ओर पुलिस अब जांच करती है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्ती पारा की यह घटना है, इलाके में भी हड़कंप की स्थिति, क्योंकि बहुत ही चौंका देने वाली ये पूरी घटना। सहयोगी श्रवण ज्यादा जानकारी देंगे, श्रवण विस्तार से समझाइए मामला। कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्ती पारा का मामला है और यहाँ 14 वर्षीय जो छात्रा है उसकी फांसी पर लटकती लाश मिली है। घर में कोई नहीं थे, माँ काम करने गई थी और पिता जो है गांव, पैतृक गांव प्रतापपुर वहां गए थे। वो छात्रा नवी क्लास की थी, हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो छात्रा जो है किस कारणों से फांसी लगाई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है कि आखिर में वो जो छात्रा है, और यानी कि कुल मिलाकर ये सब भी जांच का ही विषय कि किस वजह से ऐसा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण फिलहाल जानकारी के लिए, और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। चुनाव के मोड में भाजपा हमेशा होती है। 7 प्रभारी मध्य प्रदेश में चुनाव के बन गए हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेंगे आप? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कंफ्यूजन है और या कोई कॉन्ट्रडिक्शन। दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर दौरे कर रहे हैं जहां पर वो सीटें हारे थे। उनकी दौरा जहां जहां होता है वहां भाजपा को फायदा होता है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बने। कांग्रेस केवल माइंड गेम खेल रही है। सिंधिया जी के समर्थकों को आपने कहा था कि विभीषण थे वो हमारे साथ आ गए इसलिए हमको फायदा हो गया। वो क्यों आए? धर्म यहाँ है, मानकर आए। भाजपा में बहुत सारे हिस्से हो गए हैं। नाराज भाजपा भी हमारा है, शिवराज जी भाजपा भी हमारा है, महाराज भाजपा भी हमारा है। अब की बार 200 पार सुनामी, भाजपा सुनामी। सीएम का चेहरा घोषित करेंगे? वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं है और भविष्य में हमारे पास मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा, राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, पीसीसी चीफ दीपक बैट, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का SC ST और सहारा इंडिया के हितग्राहियों ने किया अभिनंदन, केंद्र सरकार के कार्यों के लिए गृहमंत्री का अभिनंदन। माहरा समाज के ने SC ST का दर्जा दिए जाने पर गृहमंत्री का धन्यवाद किया। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी, 3 जुलाई से 3 कर्मचारी बैठे थे अमरण अनशन पर।
पूनो नेशनल पार्क के बाड़े में शिफ्ट किए गए चीते, हटाए गए 6 की वीडियो कॉलर आईडीज, हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। नरसिंहपुर में पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, कपलिंग टूटने से हुआ हादसा, अप एंड डाउन ट्रैक प्रभावित, करेली नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के बीच की घटना। शिवपुरी में पति की शर्मनाक हरकत, परीक्षा दे रही पत्नी की कॉपी फाड़ी, बोला नहीं पढ़ाना चाहता। राजगढ़ में 10 लाख की फिरौती नहीं देने पर हत्या की धमकी, पिता की हत्या के बाद बेटों से फिरौती की मांग, बेटों ने पुलिस में की शिकायत। सतना के अमरपाटन कस्बे में एक युवक के साथ जमकर मारपीट, दो बस कंडक्टर से मिलकर युवक को पीटा, ज्यादा किराया लेने को लेकर हुआ था विवाद। हरदा में कमल खिलाने की अनोखी मनौती, कांवड़ यात्रा 20 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा करेंगे मंत्री कमल पटेल। बैतूल में कांग्रेस के पुतला दहन पर उठे सवाल, सारनी नगर पालिका के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने किया पुतला दहन, पुतला दहन के बाद उसमें से मिले आपत्तिजनक सामान से कांग्रेस की किरकिरी। डिंडोरी में कुत्ते ने मासूम को बुरी तरह से नोचा, अस्पताल जाने पर नहीं मिले डॉक्टर्स। राजगढ़ में पानी से भरे गड्ढे में मिले 3 युवकों के शव, गड्ढे में डूबने से 3 की मौत की आशंका, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश के बाद ताप्ती नदी में उफान, जनजीवन की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश के बाल खामनी गांव में नाले उफान पर, तेज धार में पार कर रहा ट्रैक्टर पलटा। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में भारी बारिश की आशंका, दक्षिण छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हो सकती है बारिश, उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा, राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, पीसीसी चीफ दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का SC ST और सहारा इंडिया के हितग्राहियों ने किया अभिनंदन, केंद्र सरकार के कार्यों के लिए गृहमंत्री का अभिनंदन, माहरा समाज के ने SC ST का दर्जा ये जाने पर गृहमंत्री का धन्यवाद किया। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी, 3 जुलाई से 3 कर्मचारी बैठे थे अमरण अनशन पर। पूनो नेशनल पार्क के बाड़े में शिफ्ट किए गए चीते, हटाए गए 6 की वीडियो कॉलर आईडीज, हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। नरसिंहपुर में पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, कपलिंग टूटने से हुआ हादसा, अप एंड डाउन ट्रैक प्रभावित, करेली नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के बीच की घटना। शिवपुरी में पति की शर्मनाक हरकत, परीक्षा दे रही पत्नी की कॉपी फाड़ी, बोला नहीं पढ़ाना चाहता। राजगढ़ में 10 लाख की फिरौती नहीं देने पर हत्या की धमकी, पिता की हत्या के बाद बेटों से फिरौती की मांग, बेटों ने पुलिस में की शिकायत। सतना के अमरपाटन कस्बे में एक युवक के साथ जमकर मारपीट, दो बस कंडक्टर से मिलकर युवक को पीटा, ज्यादा किराया लेने को लेकर हुआ था विवाद।